माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं एनिमल मसल और ये हैशटैग मसल टॉक ट्यूसडे। और आज हम मसल टॉक ट्यूसडे में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अबाउट वेट लॉस एंड फैट लॉस। बहुत ज़्यादा मेजर इशू है हर किसी के लिए, मेरे लिए भी पहले बहुत ज़्यादा मेजर इशू रहा है ये, पता ही नहीं लगता था क्या करें क्या नहीं करें। तो आज मैं ये वीडियो जो है आप लोग को बताने वाला हूँ। ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी बिकॉज इसमें मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक जो आपके वर्किंग प्रोफेशन हैं, जो वर्किंग प्रोफेशन वाले हैं वो जिम नहीं जा पा रहे हैं एंड उन्हें अपना वेट लॉस करना है, एंड एक जो जिम जा रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या नॉर्मल जो रूटीन वाले हो गए एंड उन्हें अपना वेट लॉस करना है। सो वी विल स्टार्ट विद वर्किंग प्रोफेशन। सो वर्किंग प्रोफेशन वालों को कुछ नहीं करना है, दे जस्ट हैव टू डिवाइड देयर मील एंड चेक देयर मील। सो उन्हें जो उनकी हैवी लंच जो है, जो एक हैवी लंच करते हैं उसे बस उन्हें डिवाइड करना है इंटू टू या थ्री मील्स। उन्हें उसको टू या थ्री मील्स में आप उसे डिवाइड कर लें, उससे क्या होगा जो आपका एक मील के बाद जो आपका बॉडी का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होगा एंड उसके बाद वो जो एनर्जी आप अपने ऑफिस में यूज़ कर लेंगे, फिर आप अपनी सेकंड मील लेंगे या अपनी थर्ड मील लेंगे। इससे क्या होगा जो आपका बॉडी है वो कंटिन्यू है, जो वो जो आपका फूड है उसे डाइजेस्ट भी करेगा, वो किसी भी चीज़ को फैट बनने नहीं देगा। एक प्रॉपर वीडियो है अबाउट फैट कैसे बनता है क्या होता है, वो आप गुरुमान सर हैं उनके पेज में देख सकते हैं। मैं उतनी डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि आप जो है आप अपनी जो मील्स हैं उन्हें बस आप डिवाइड कर लीजिए इनटू थ्री या फोर मील्स। जो आपका लंच है उसे थ्री या फोर मील में आप डिवाइड कर लीजिए। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक ब्रेक्स आफ्टर वन आवर ऑफ सिटिंग और 40 या 50 मिनट्स ऑफ सिटिंग। अगर आप एक घंटा या 50 से 40 मिनट बैठ रहे हैं ऑफिस में, एक ही जगह बैठे हुए हैं, उसके बाद आप मेक श्योर करें कि आप ज़रूर उठें फॉर 10 to 15 मिनट, थोड़ा बॉडी की थोड़ा घूम लीजिए ताकि बॉडी जो है वो एक्टिविटी उसकी बनी रहे। एंड क्योंकि बार बार अगर आप एक ही जगह बैठे रहेंगे तो वो मेजर प्रॉब्लम या इशू होता है अब फॉर वेट जो आपका इंक्रीज़ हो रहा है उसका वो जो एक मेन प्रॉब्लम वही है, एंड उससे आपकी सर्वाइकल एंड बहुत सारी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ सकती हैं। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं ये बोलूँगा, जो भी आप अपने फूड लेके जा रहे हैं फॉर लाइक लंच या जो आप घर में ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं डिनर भी कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि उसमें ऑयल और शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो। ऑयल शुगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही सॉल्ट, सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं जो आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है ना, वो उनके ये उनके मेन बेसिक जो रूट्स हैं ना वो ये तीन चीज़ें ही हैं। तो आप कोशिश करेंगे ये जो तीन चीज़ें आप कम से कम लें अपनी डाइट में। एंड जो मैं लास्ट पॉइंट आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि जो आपका डिनर है उसे आप लाइट रखें, मेक श्योर करें कि आप बहुत ज़्यादा हैवी डिनर ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस से थके हुए आते हैं एंड बहुत सारा खाना खाते हैं और खा के सो जाते हैं। गाइज वो सीधा सीधा जो आप खा रहे हैं ना वो सीधा आपका फैट ही बन रहा है बॉडी में, क्योंकि आप उसे बर्न नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत जो आपका स्लीप जो आप सोते हैं उसमें अब आया है ऐसा रिसर्च में कि हाँ सोने में भी आपकी एनर्जी यूज़ होती है। सो हाँ थोड़ा बहुत तो आप बर्न कर रहे हैं लेकिन उसके बाद जितना भी फूड है वो सारा आपका फैट ही बन रहा है। सो मेक श्योर करें कि आप जो आपकी रात की मील है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, एंड अगर नहीं हो रही कंट्रोल, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसके बाद ज़रूर नाइट वॉक पे जाएं। नाइट वॉक बहुत ज़्यादा मस्त है कि आप अपनी 15 to 20 मिनट की एक वॉक करके आएँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी डिनर ले रहे हैं। ये हो गए हमारे जिम प्रोफेशन वालों की बात, अब करते हैं जो जिम जा रहे हैं उनकी बात। सो पहला पॉइंट वही हमारा आएगा जो मेन पॉइंट है जो हर जगह आता है, वो है कैलोरीज डेफिशिएट का। सो कैलोरी डेफिशिएट होता क्या है क्या नहीं होता, इसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि जो आप रेगुलर खा रहे हैं उसमें आपको बस अपने जो कार्ब की क्वांटिटी है उसे थोड़ा कम रखें। जो आप अगर रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, जो जितने भी बिस्किट्स हो गए, जो भी आपकी कार्ब की क्वांटिटी है उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। बस आप इतना समझ लीजिए, जितना भी आपका BMI आएगा वो आप अपना चेक कीजिए एंड उससे जो अपनी कैलरीज हैं उसे 200 से 300 कम रखिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि 500 कम कर लो या 700 कम रखो, नहीं, आप अपनी जो कैलरीज हैं उसे 300 या 200 कम रखें एंड बाकी कैलरीज हैं वो अपनी बर्न करने की कोशिश कीजिए ना जिम में। डू अ लाइक बहुत अच्छा एक वर्कआउट करें, एक्सट्रीम वर्कआउट करें ताकि जो आपकी कैलरीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जिम में ही बर्न हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट अबाउट कैलरीज डेफिशिएट। हमारा जो सेकेंड पॉइंट हम करने वाले हैं वो है अबाउट जो आपकी डाइट है उसे आप चेक करें कि आप क्या ऐसा खा रहे हैं जो आपका वेट अभी भी
बढ़े जा रहा है। अभी अगर आपका वेट नहीं रिड्यूस हो रहा तो चेक योर डाइट एंड उसको ऑप्टिमाइज करें कि आपके कहाँ कौन सी गलती हो रही है, कहीं ज़्यादा शुगर तो नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा सॉल्ट तो नहीं उसमें मील्स में ले रहे हैं, जो भी आपकी बॉडी, बिकॉज एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी टाइप एंड सबकी बॉडी अलग होती है, सबको अलग अलग डाइट सूट करती है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी डाइट सूटेबल है एंड वो आपको रिजल्ट दिखा रही है। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि यू शुड लाइक इंक्लूड कार्डियो, आपको कार्डियो इंक्लूड करना चाहिए फॉर लाइक एवरी सेकेंड डे। आई वुड से लाइक 4 times अ वीक कार्डियो इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। अगर आप 4 times अ वीक कार्डियो कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर रिड्यूसिंग योर वेट लॉस एंड फैट लॉस। कार्डियो का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बस ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, वो सब नहीं करना है, बस क्रंचेज मारे जा रहे हैं ये सब नहीं करना है। डू लाइक 10 minutes ऑफ ट्रेडमिल, 10 minutes ऑफ क्रॉसफिटर एंड 10 minutes ऑफ साइकिलिंग, ये एक सर्किट बना लीजिए एंड उसके बाद आपके जो हैं जंपिंग जैक्स हो गए आपके, जो जंपिंग जैक्स हो गए आपके एंड माउंटेन क्लाइंबिंग हो गए, ये सब जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल अपना पर्टिकुलर एक सर्किट बना सकते हैं जो आप जो आपको हेल्प करेगा एंड एक लाइट कार्डियो सेशन रखें 4 times अ वीक, ये आपको हेल्प करेगा फॉर डेफिनेटली हेल्प करेगा फॉर योर वेट लॉस। ये हो गया कार्डियो। एंड जो इसमें लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा वो होगा एक कि अपनी प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग इज़ मस्ट। मैंने बहुत वीडियोज़ में पीछे भी बोला कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो इसलिए गाइस क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप आज जिम जा रहे हैं और आप 5 के डंबल उठा रहे हैं, सपोज़ कीजिए बाइसेप्स कर्ल में, मैंने बहुत बार देखा है आप 5 के डंबल उठा रहे हैं बाइसेप्स कर्ल में, वो आप 2 महीने बाद भी वही 5-6 के डंबल से मार रहे हैं, 3 महीने बाद भी 5 के डंबल से मार रहे हैं, तो मसल पे स्ट्रेस कब आएगा? मसल पे स्ट्रेस आएगा ही नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो इंक्रीज़ ही नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं मेरी बॉडी नहीं बन रही, बॉडी नहीं बन रही, वो इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वो उसी पॉइंट पर स्टक हैं और उनकी बॉडी भी उसी जगह स्टक हो गई है। अगर आपको एक बॉडी बनानी है तो आपको भी तो एक स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने टारगेट पर पहुँचना है तो स्टेप बाई स्टेप जाओगे ना, तो वो आपको जो स्टेप है वो तो चढ़ने ही पड़ेंगे ना। ये नहीं कि मैं से उठ नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, तो वैसे वो लोडिंग वही तो है गाइस। अगर आज सपोज़ कीजिए मैं 5-5 के डंबल से बाइसेप्स कर्ल मार रहा हूँ, बस मेरे से उसके बाद नहीं लग रहे, मैं ट्राई करता हूँ, चलो 5 से मैंने 10 मार लिए, तो मैं 7 से ट्राई करता हूँ, 7 से मेरे से सिर्फ 5 लगे, तो 5 तो मारो, वो 5 तो मारो, क्योंकि अगर इस वीक में वो 5 मार रहे हो तो डेफिनेटली अगले वीक में 7 होंगे, उससे अगले वीक में वो 10 हो जाएंगे, जब वो 10 हो जाएंगे 7, 7.5 के, उसके बाद फिर आप 10 किलो का डंबल लेना, 10 केजी का डंबल उठाना शुरू करना, फिर उससे आपसे 5 लगेंगे, उससे अगले वीक में 5 से 7 लगेंगे, उससे अगले वीक में फिर और इंक्रीज़ होगा ना गाइस। यही तो होती है आपकी मेन प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, यही होती है। अगर आप नहीं बॉडी को पुश करेंगे अपनी लिमिट से तो आपकी बॉडी नहीं अच्छी वैसी नहीं बन पाएगी, वहीं स्टक रहेगी। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बोलेंगे ये फैट लॉस में कहाँ से आया? फैट लॉस में इसलिए आया क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज़ होता है। तो एज टेस्टोस्टेरोन जब लेवल इंक्रीज़ होगा तो जितना भी फैट अकुमुलेट होगा आपके बॉडी के अराउंड और आपका मसल भी बनेगा, टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा है, तो वो फैट क्या होगा, डिप्लीट होना शुरू होगा, वो फैट धीरे धीरे डिप्लीट होगा एंड उससे आपका मसल बनना इंक्रीज़ होगा। इस ये आपका बहुत हेल्प करता है फॉर फैट लॉस जो जिम जा रहे हैं। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। एंड हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं अभी अखबार पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले एंड न्यूज़ आई थी, उसमें जो एम्स के डॉक्टर थे वो बता रहे थे जो कई डिजीजेस का मेन जो रूट सोर्स होता है वो आपके 3S होते हैं, वो होता है शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट। तो शुगर, सॉल्ट आप समझिए सैचुरेटेड फैट मतलब घी वगैरह, एंड इस ये मेजर सोर्स रहते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, जो डायबिटीज़ हो चाहे वेट लॉस, फैट लॉस, जो भी आपकी ओबेसिटी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके मेन सोर्स यही हैं, ये 3 हैं, ये रूट कॉज हैं। तो मेक श्योर, इसलिए मैंने इस वीडियो में मेन उन पॉइंट्स को ज़्यादा रखने की कोशिश करी कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करने की कोशिश करें। अगर आप अपना वेट अपना कम करना चाहते हैं, फैट अपना कम करना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप इन चीज़ों को भी कम से कम अपनी मील्स में लें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।